हम सबको हेल्प मांगने में दिक्कत तो होती ही है। जब भी हमारे दिमाग में किसी से हेल्प मांगने का आइडिया आता है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि अगर हम उनसे हेल्प मांगेंगे तो हम उनके सामने लाचार तो नजर नहीं आएंगे, या फिर हम उन लोगों के सामने वीक तो नजर नहीं आएंगे। एंड यही सब चीज सोच के हमको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, एंड साथ ही साथ हेल्प मांगते टाइम बहुत ही एम्बैरेसिंग फीलिंग आती है। एंड मैं जानता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी बातों से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे कि उनको भी हेल्प मांगते टाइम ये सब चीज़ें फील होती हैं। तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि अगर हमको हेल्प मांगते टाइम इतना डिसकम्फर्टिंग, इतना एम्बैरेसिंग फील होता है तो इस चीज़ का ऑल्टरनेटिव क्या है। साइकोलॉजी में है ना एक कॉन्सेप्ट है द इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी करके। ये एक ऐसा इल्यूजन है, मतलब एक ऐसा भ्रम है जिससे हमको ये लगता है कि हमारी जो भी थॉट्स हैं, हमारी जो भी फीलिंग्स हैं या फिर हमारी जो भी नीड्स हैं वो दूसरे लोगों को ऑटोमेटिकली या बहुत ही ऑब्वियसली समझ में आ जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी लोग भी आपके तरह एक इंसान ही है, कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि आपकी फीलिंग्स अपने आप ऑटोमेटिकली उन तक कन्वे हो जाएगी। एंड ये फालतू भ्रम या इल्यूजन के चक्कर में मेजोरिटी लोग वेट करते कि कोई आके खुद उनकी हेल्प कर दे, जो कि एक बहुत बहुत ज़्यादा गलत माइंडसेट है। देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी से हेल्प नहीं मांगोगे ना तो सामने वाले को कभी अपने आप नहीं समझ में आएगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है। अब हेल्प मांगने का सही माइंडसेट मैं आपको एक छोटे से किस्से से बताता हूँ। एक बुक है जिसका नाम है द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी थी ना तो उससे मेरा हेल्प मांगने का नज़रिया बहुत ज़्यादा बदल गया था। उस बुक को पढ़ने के बाद में जिस हिसाब से मैं हेल्प को देखता था वो पूरा चेंज हो गया था। उस बुक में जो बॉय है वो हॉर्स से पूछता है कि व्हाट इज द ब्रेवेस्ट थिंग यू हैव एवर सेड, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसको बोलने में आपको सबसे ज्यादा हिम्मत लगी थी। तो जो हॉर्स होता है ना वो रिप्लाई में एक ही वर्ड बोलता है और वो बोलता है हेल्प, कि हेल्प बोलने में ना हमको सबसे ज्यादा हिम्मत लगती है। और हॉर्स एक्सप्लेन करता है कि आस्किंग फॉर हेल्प डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स यू आर रिफ्यूजिंग टू गिव अप। मतलब हेल्प मांगना गिव अप करना या सफेद झंडा दिखाना नहीं होता है, बल्कि हेल्प मांगने का मतलब होता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, जो चीज मैं चाहता हूँ वो करके ही दिखाऊंगा। जैसे जब कुछ लोग किसी व्यक्ति को मार रहे होते हैं तो वो मदद में बचाओ बचाओ चिल्लाता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं गिव अप नहीं करना चाहता, प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि आप गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हो इसलिए किसी की हेल्प मांग रहे हो। तो हेल्प मांगने से आप कमजोर नहीं होते हो, बल्कि उससे ये प्रूव होता है कि आप इजीली गिव अप नहीं करोगे। और अगर आपको भी हेल्प मांगने में तकलीफ होती हो एंड अच्छे से सीखना चाहते हो कि सही तरीके से सही ढंग से हेल्प कैसे मांगते हैं तो आप इस टेड के वीडियो को देख सकते हो। मैं इसका लिंक आई बटन पे एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसमें लिटरली बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि हमको हेल्प कैसे मांगनी है, किस ढंग से मांगनी है एंड हेल्प मांगते समय क्या चीज़ें नहीं करनी है या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। मैं खुद हेल्प कैसे मांगते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जो टेड वाली वीडियो है उसमें सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से कवर की गई है एंड एक दूसरी वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। मैंने द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स बुक के ऊपर में भी एक डिटेल में वीडियो बना कर रखा है, अगर आप उस वीडियो को चेकआउट करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो एंड साथ ही साथ उसको मैं आई बटन पे भी लगा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।